नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। सूबे की सरकार द्वारा महिलाओं की सुरक्षा मान सम्मान को लेकर नए नए कठोर कदम उठाए गए, इसके बावजूद भी दहेज लोभियों के द्वारा आए दिन नवविवाहित महिलाओं के साथ हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। पूरा मामला कानपुर नगर सजेती थाना क्षेत्र के मकरानपुर गांव का है, जहां दहेज की मांग पूरी न होने के चलते ससुराली जनों ने नवविवाहिता की जान ले ली। जहां मृतका मानसी के मायके पक्ष ने बताया कि विगत कुछ वर्षों से ससुराली जन मृतका को दहेज को लेकर प्रताड़ित करते चले आ रहे थे। कई बार मृतका ने फोन द्वारा अपने घर वालों को इस संबंध में बताया। मृतका के परिजनों ने ससुराली जनों से कई बार सुलह समझौते भी किए, इसके बावजूद आज ससुराली जनों ने दहेज को लेकर मृतका की जान ले ली। वहीं मृतका के परिजनों ने कानपुर नगर सजेती थाने में ससुराली जनों के खिलाफ प्रार्थना पत्र दिया, जहां थाना अध्यक्ष ने मृतका के ससुराली जनों के खिलाफ मुकदमा न लिखते हुए मृतका के परिजनों को थाने से भगा दिया। जहां एक और सूबे की योगी सरकार महिलाओं की सुरक्षा मान सम्मान को लेकर यूपी पुलिस को सख्त हिदायत दे रखी है, वहीं सूबे की योगी पुलिस के कारनामे खुद बयां कर रहे हैं, जहां मृतका के घर वाले न्याय के लिए थाने के चक्कर लगा रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि सूबे की योगी सरकार में इस पीड़ित मृतका के परिवार को न्याय मिलता है या इसी तरीके से पीड़ित परिवार न्याय के लिए चक्कर काटता रहेगा। इंडियन प्राइम न्यूज के लिए कानपुर नगर से जंग बहादुर की यह खास रिपोर्ट। क्या नाम है? रानी देवी। कहाँ के रहने वाली है? मूसा नगर। पूरा क्या मामला है? पूरा मामला ये है कि मेरी लड़की आई थी, लेके आई थी दीपावली दूज को, तो मेरी बच्ची रात भर रुकी, वो भी जबर बड़ी मुश्किल में रुकी। उसने तो उसी दिन चली जाती और रुकी, ये सुबह होते हुए दूज किया, शाम को दूज किया, रात भर रुकी मेरी बच्ची अच्छे वाले। इसके बाद में कहा बोली कि हम लोग सुबह से तो बोली कि जल्दी चलो, तो मेरी बच्ची बोली कि अभी रुक जाओ, अभी चलेंगे, अभी मेरी बड़ी वाली बहन रुकी है तो इसलिए मैं अभी रुकूंगी, लेकिन नहीं अभी नहीं रुक, अब नहीं रुकना, एक मिनट नहीं रुकना, जल्दी चलो आप। फिर पूरा क्या मामला हुआ? मामला ये हुआ कि एक लाख रुपया एक गाड़ी दो और भैंस दो, जो बंदी है तो ये दो, यानी हम अभी से खरीदते हुए ले जाएंगे, तो हम चारा डालने चले गए उस भैंस को, तो इतने में वो लड़की को लेके भाग गए। अच्छा, आप क्षेत्राधिकारी घाटमपुर आई हैं? हमारी कोई सुनाई नहीं रही। लड़की के साथ में क्या हुआ है? लड़की को मार डाला, लड़की के साथ बहुत जबरदस्त की गई। अच्छा, किस थाने का मामला है? ये सजेती थाना का। तो वहाँ एप्लीकेशन नहीं दी थी? एप्लीकेशन दी लेकिन कोई सुनाई नहीं रही, कोई सुनाई हो ही नहीं रही। गए थाना जबरदस्त हड़का हड़कू के भगा दिया जबरदस्त कि जाओ यहाँ से, हमारा यहाँ कोई सुनाई नहीं होगा। शादी कहाँ पर की थी? कोटरा मकनपुर में। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो आप क्या करेंगे? हम ऊपर तक जाएंगे। क्या नाम है? देशराज निशा। कहाँ के रहने वाले? हम रहने वाले हैं खाली सर मूसागर बांगा। पूरा क्या मामला है? मामला लड़की कोटरा मकनपुर में शादी हुई थी 7 जुलाई को, 4-5 महीने हुए और उनको ले गए, ले जाने में दीपावली को आई, दीपावली के दूज खवाया, दूज खवा कर पीछ को वो चली गई, जैसे जबरदस्ती को उसमें गई हैं वो। तो हमने कहा चलो भाई अपना घर न बिगाड़ो, जबरदस्ती करो, और जाकर दूज के बाद तीज को रुकी है, चौथ को ये सूचना मिली कि तुम्हारी बिटिया को तबीयत ख़राब है, तबीयत ख़राब होने में हम लोग गए तो वहाँ वो मरी मिली। किस गांव में, किस थाना क्षेत्र में आई थी लड़की? ये गांव पड़ता है मकानपुर और थाना पड़ता है सजेती। फिर वहां गए, वहां एप्लीकेशन दी, एप्लीकेशन तो रख ली कोई, अब फिर ऐसे बात तीसरे दिन फिर गए इस हिसाब से बात भाई कि भाई हमारी अब मतलब एफ आई आर दर्ज करो, मतलब कुछ तो दर्ज करो, कुछ तो लिखो। तो उन्होंने कहा मैं वो दबका के भगा दिया, वो बोले कि मैं नहीं लिखूंगा, जाओ जो तुमको जाना हो तो ऊपर से कोर्ट से आदेश करो, तब मैं लिखूंगा आपका। पुलिस ने आपको भगा दिया जी। तो आप यहाँ क्षेत्राधिकारी घाटमपुर आए हैं, क्या उम्मीद लेके आए हैं? अब इधर से ये आए हैं कि हमारा तो कुछ में कुछ फैसला होना चाहिए भाई, फैसला होना चाहिए, हमारे ऊपर दिक्कत है तो उनको सुनाई होगी। अगर लड़की तुम्हारी खत्म हुई तो मुकदमा लिखना चाहिए ना जी।
भाई हमको न्याय मिलना चाहिए। अगर न्याय नहीं मिलता है तो आप क्या क्या करेंगे? अब साहब न्याय तो मिलने चाहिए, खैर बगैर न्याय मिलने से किसी काम करेंगे? और ऊपर तक जाएंगे, और ऊपर जाएंगे, एसपी साहब के यहाँ जाएंगे भाई, कहीं ना कहीं तो फिर हम करेंगे कुछ ना कुछ, हमारी लड़की।